गाइज, अगर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर चुके हो तो आई एम श्योर आप उन लोगों में से हो जो जुलाई मंथ में लॉन्च होने वाले टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। सो बजट सेगमेंट हो या फिर प्रीमियम मिड रेंज फ्लैगशिप, टॉप 5 स्मार्टफोन्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इवन ये जो लिस्ट है यहाँ पर वो डिवाइस भी शामिल है जिनका वेट आप पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स चेक आउट टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन इन जुलाई 2020। ऑलराइट गाइज, स्टार्ट करते हैं 2020 के मोस्ट अवेटिंग स्मार्टफोन वन प्लस नोट को लेकर, जो कि वन प्लस की तरफ से 2020 का पहला मिड रेंज फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इसी मंथ आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ अगर इंडिया में किसी डिवाइस का सबसे ज़्यादा हाइप बना हुआ है तो वो वन प्लस नोट ही है। ये डिवाइस वन प्लस के सारे सिग्नेचर फीचर्स के साथ आएगा और ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला फर्स्ट डिवाइस है। ये डिस्प्ले एक सुपर एमोलेड पैनल होने के साथ साथ 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट के साथ ये एक 5G रेडी डिवाइस होगा। रेयर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप, 4000 mAh के करीब बैटरी अलोंग विथ 30W रैप चार्जिंग, सो ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त पैकेज होगा। वन प्लस नोड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस डिवाइस के प्राइस को लेकर काफ़ी सारे झोलू हैं। एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये डिवाइस 30,000 के प्राइस बजट पर लॉन्च हो सकता है। कमेंट्स में आप मुझे बताओ अगर आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिवाइस, जो कि एक बजट सेगमेंट का डिवाइस होगा, विच इज़ अंडर 15,000। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोको M2 Pro की, जो कि 7 जुलाई को ऑफिशियल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। हालांकि ये डिवाइस एक रीब्रांडेड वर्जन होगा Redmi Note 9 सीरीज का, बट कुछ एडिशनल फीचर्स और प्राइस पॉइंट की वजह से आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि ये डिवाइस 6.6 इंचेस के एक सेंट्रल पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट, 5020 mAh की बैटरी अलोंग विथ 33W फास्ट चार्जिंग और क्वाड रियर कैमरा फीचर्स आपको ऑफर करता है। सो अंडर 15,000 ये एक काफ़ी अच्छी डील हो सकती है। गाइज, अगर आप गेमिंग करने का शौक रखते हो तो डेफिनेटली ये डिवाइस भी आपके लिस्ट में जरूर से होगा। Asus ROG Phone 3 विल बी दी बेस्ट गेमिंग डिवाइस, जो कि 22 जुलाई को ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है। स्नैपड्रैगन 865 जैसे पावरफुल चिपसेट, 5800 mAh की बैटरी, 144 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा के साथ एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस होने वाला है। क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन में जो फीचर होने चाहिए वो सारे आपको Asus ROG Phone 3 ऑफर करेगा। ये डिवाइस इंडिया में 40,000 से 50,000 के प्राइस बजट पर आएगा, जो कि एक नॉन चाइनीज ब्रांड है। अब इसी बीच Vivo X50 सीरीज भी इसी मंथ आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है, जहां पर आपको प्रीमियम मिड रेंज डिवाइस के साथ साथ फ्लैगशिप डिवाइस भी देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली इस सीरीज में Vivo 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, Vivo X50 और X50 Pro, जहां स्नैपड्रैगन 765G वाला चिपसेट होने वाला है, और जो प्लस वेरियंट होगा वहां पर आपको स्नैपड्रैगन 865 का फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगा। ये डिवाइस आपको बेस्ट कैमरा फीचर्स के साथ साथ बेस्ट परफॉर्मेंस भी ऑफर करेंगे, जहां फर्स्ट टाइम आपको गिम्बल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि एक टॉप लेवल की कैमरा परफॉर्मेंस आपको देगा। अपार्ट फ्रॉम कैमरा ये डिवाइस काफ़ी सारे प्रीमियम फीचर्स भी आपको ऑफर करते हैं। अब जैसा कि ये डिवाइस इंडिया में चाइनीज डिवाइस में ज़्यादातर कंसिडर किए जाते हैं, तो आई एम नॉट कन्फर्म कि अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये डिवाइस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। बाकी गाइज, अभी अगर आप देखो तो स्मार्टफोन के प्राइजेस काफ़ी बढ़ चुके हैं और 10,000 से 12,000 के प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में Realme 6i विल बी द गुड ऑप्शन, जहां आपको सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके अकॉर्डिंग एक स्मार्टफोन में होने चाहिए। ये डिवाइस बेसिकली Realme 6i का एक डाउनग्रेड वर्जन होगा, जिसे आप 10,000 से 12,000 के प्राइस पर कंसिडर कर सकते हैं। सो बजट सेगमेंट हो या फिर फ्लैगशिप सेगमेंट, जुलाई में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आपको इनमें से कौन सा डिवाइस बाय करना है या फिर नहीं करना है। नोबडी इज फोर्सिंग यू। सो ये थे वो स्मार्टफोन जिनका वेट आई एम श्योर आप लोगों में से काफी सारे लोग कर रहे हैं। गाइज, कॉमेंट्स में बताना आप किस डिवाइस के लिए थोड़ा बहुत एक्साइटेड है या फिर उसको बाय करने का सोच रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर 100K का माइलस्टोन कर पाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट वीडियो।